जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो दोस्तों वास्को डिगामा कालीकट पर कब पहुंचा था तो आपको याद रखना है डेट 17 मई 1498। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा कालीकट पर पहुंचता है और कालीकट में एक बंदरगाह है, आपको याद रखना है कप कडाबू बंदरगाह पर वह पहुंचता है दोस्तों 1498 ईस्वी में। और ये डेट याद रखना है कि कब, 17 मई 1498 ईस्वी को। और वहाँ के जो शासक होते हैं उनका नाम याद रखना है, वहाँ के जो शासक होते हैं दोस्तों वो एक टाइटल धारण करते हैं जिसे हम लोग जेमोरिन कहते हैं। जेमोरिन शासक का नाम नहीं है दोस्तों, जेमोरिन उस समय जो शासक वहाँ पर हुआ करते थे वो उनका टाइटल है जेमोरिन। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसका पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है। तो वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है इसका पथ प्रदर्शक कौन था, तो अब्दुल मनीद जो नायक था इसका पथ प्रदर्शक था दोस्तों। और यह गुजरात का व्यापारी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों वास्को डिगामा से जिसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल ये बन सकता है दोस्तों कि वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था, तो दोस्तों वास्को डिगामा जो दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में आया था। फिर तीसरी बार भी वास्को डिगामा आता है, कब आता है दोस्तों, तो यह 1524 ईस्वी में वास्को डिगामा तीसरी बार आता है और 1524 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। पहले इसे कोचीन में ही दफनाया जाता है दोस्तों, फिर बाद में इसे पुर्तगाल के लिस्बन में ले जाकर दफनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों वास्को डिगामा से जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसमें क्या फैक्ट्स दिया हुआ है। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई को यह पहुंचता है, 17 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया। तो याद रखना है दोस्तों 1505 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी दोस्तों, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। और यह काफी VVI है दोस्तों, अर्थात शांति जल की नीति का प्रतिपादन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और यह कब बनकर वायसराय आया था पुर्तगालियों की तरफ से, तो 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो पुर्तगाली थे। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो याद रखना है वास्को डिगामा कब आया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट के कप कडाबू बंदरगाह पर यह पहुंचा था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो कौन था दोस्तों, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो था पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं था, पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था, आपको याद रखना है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अल्मेडा जो था पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक वास्तविक नहीं था, बल्कि कौन था, अल्बुकर्क था पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। और ये भी सवाल पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो याद रखना है जेमोरिन का टाइटल रखने वाले शासक ने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था दोस्तों।
फिर है दोस्तों सूची वन को सूची दो से मिलान करना है कि वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा कहाँ से आया था दोस्तों, तो वास्को डिगामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक कहाँ का था दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन का था, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान, तस्मान यानी न्यूजीलैंड, ये सब की खोज किसने की थी दोस्तों, तो तस्मान ने की थी। और यह कहाँ का निवासी था, तो हॉलैंड का निवासी। तो पहला का हो गया दो, दूसरा का हो गया एक, सी का हो गया फोर और डी का हो गया थ्री। तो दो एक हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा आंसर है इसका, तो इसका परफेक्ट आंसर है बी। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वास डिमंस लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की दोस्तों। और ये सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, और इसका कार्यकाल भी आपको याद रखना है 1509 से 1515 ईस्वी। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के, याद रखना है दोस्तों कि बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो 1510 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों, बीजापुर के जो आदिल शाही शासक रहते हैं उनसे गोवा को जीत लेता, और यही गोवा जो है दोस्तों 1530 ईस्वी में पुर्तगाली की राजधानी बनती है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। और यह किसके समय में राजधानी बनती है, तो यह नुन्हा डी कुन्हा के समय में यह राजधानी बनती है, तो याद रखना है नुन्हा डी कुन्हा। ये सब सवाल आए हुए हैं दोस्तों, आगे मिल जाएंगे आपको। तो गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली की संख्या में वृद्धि करने एवं उनके अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया दोस्तों। तो यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अल्बुकर्क क्या करता है दोस्तों, तो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो दोस्तों इसमें जो है 1499 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, यह बिल्कुल गलत है। अन्य जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, अंग्रेजों ने अपना पहला जो कारखाना लगाया था दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, और कब लगाया था तो वो डेट भी याद रखना है, 1611 ईस्वी में लगाया था। और दूसरी, अंग्रेजों के फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों, तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया, तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कहां पर किया था दोस्तों, तो कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये याद रखना है किसके शासनकाल में, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क में। इस समय वह गवर्नर नहीं था दोस्तों, याद रखना है कि जब प्रथम दुर्ग का स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है, तो उस समय जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वो उस समय का गवर्नर नहीं था, याद रखना है आपको। तो कब की गई थी दोस्तों, तो याद रखना है 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और यह वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो याद रखना है पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था दोस्तों। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, तथा यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की दोस्तों। ये भी सब वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो कौन थी दोस्तों,
तो याद रखना है पुर्तगालियों जो द्वारा जो बंगाल में फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी उसमें एक है हुगली, हुगली में स्थापित की गई थी दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा अपनी एक फैक्ट्री। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने, याद रखना इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1529 से 1538 तक, ने मद्रास के निकट सेंट थॉमी, याद रखना मद्रास के निकट सेंट थॉमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति प्राप्त कर ली। तो कहाँ कहाँ खुला है दोस्तों, तो याद रखना है सतगांव में, चटगांव में, हुगली में तो खुली लिया गया। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अपने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, याद रखना है कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया, तो याद रखना है ये VVI सवाल है, चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह कहकर संबोधित किया है दोस्तों। उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूड़ा ने डच्चों ने गुस्तरा उस किल का निर्माण किया, याद रखना है कि चिंसूड़ा में जो किलेबंदी किया गया था डचों के द्वारा उसका नाम क्या था, तो गुस्तरा उस उसका नाम था दोस्तों। और ये सवाल आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। श्रीरामपुर में डेनिस का प्रमुख केंद्र था, तो याद रखना है कि श्रीरामपुर में किसका केंद्र था, तो डेनमार्क की जो कंपनी थी जिसे हम लोग डेनिस कंपनी भी कहते हैं उसका प्रमुख केंद्र था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा ऑप्शन है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका एक ही आंसर सही है दोस्तों कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय जो शक्ति थी दोस्तों वह कौन थी, तो पुर्तगाली थी दोस्तों। जबकि अन्य जो विकल्प दिए गए हैं पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, यह बिल्कुल गलत है। और अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया पांडिचेरी में। उसके बाद डेन्स किसने स्थापित किया, तो डेनिस। उसके बाद डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की दोस्तों, जिसके बाद 1675 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी में 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार कथन केवल एक ही सही है दोस्तों, और यह VVI सवाल है दोस्तों BPSC के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, तो याद रखना है पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था दोस्तों हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, देखिए दोस्तों रिपीटेड सवाल है, कौन करता था, तो पुर्तगाली करता था। यानी ये कब पूछा गया देख लीजिए आप, 1995 में IAS में पूछा गया था। इसी सवाल को BPSC भी पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, 65वां यानी 2019 में पूछ रहा है। इसलिए मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया है कि अधिकतर जो सवाल होते हैं रिपीटेड सवाल ही विभिन्न स्टेट PCS का उठाकर BPSC में दिया हुआ रहता है। तो इसलिए अगर आप ये सीरीज कंप्लीट करते हो तो यकीन माने आपको कहीं ना कहीं इस सीरीज से जरूर बेनिफिट नजर आएगा एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो पुर्तगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो जॉब चार्नॉक था। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों की व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सूतानौती को चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कलकत्ता का जो स्थापना हुआ है दोस्तों 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता है दोस्तों। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। कलकत्ता किसने बसाया था, तो कलकत्ता किसने बसाया था दोस्तों, तो जॉब चार्नॉक ने बसाया था, याद रखना। और कौन कौन सा लिया था, तो मुगल राजकुमार थे, याद रखना है कि 1698 ईस्वी में मुगल राजकुमार थे, उनका नाम है अजीम उस शान, अजीम
उस शान, अजीम उस शान से तीन गांव लेते हैं, गोविंदपुरी, गोविंदपुरी, सूतानाती, सूतानाती और कोलकाता, कोलकाता। इन्हीं तीनों को मिलाकर वे कलकत्ता शहर को बसाते हैं दोस्तों, कौन? जॉब चार्नोक। इसलिए कलकत्ता का वास्तुकार जो कहा जाता है दोस्तों, जॉब चार्नोक को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो याद रखना है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो डचों ने प्रारंभ की थी दोस्तों, और यह बीपीआई सवाल है, बीपीएससी के लिए ध्यान में रखना है आपको। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नमेंट एंड इंडिया ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट सीरीज, इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है दोस्तों, डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प जो बी है दोस्तों वह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, डचों ने जो था पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था दोस्तों। बाकी सब जो ऑप्शन दिया गया है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों पर देगा, यह गलत है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा, यह भी गलत है दोस्तों। अब देखते हैं इसका रीजन क्या था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। पहला ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो उपर्युक्त तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नमेंट एंड इंडिया ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट सीरीज की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो याद रखना है, किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था दोस्तों, और यह जो था आपको याद रखना, यह स्थल मार्ग से आया था दोस्तों, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ट्रेडिंग ईस्ट सीरीज, ओस्टेंड कंपनी, ये सब जो थे जलीय मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने की इनको अनुमति मिली थी। लेकिन यह जो पहला जो कंपनी है लिवेंट, उसे स्थलीय मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली थी दोस्तों, और यह वीवीआई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से, याद रखना, स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट सीरीज का समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक द्विपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो याद रखना है, भारत में कौन उस समय बादशाह थे दोस्तों? तो अकबर थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1605 ईस्वी में जो है मुगल जो बादशाह रहते हैं अकबर, उनकी डेट होती है दोस्तों। तो उनके मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय बादशाह कौन रहते हैं दोस्तों? तो अकबर रहते हैं, याद रखना है आपको दोस्तों।
तो सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, याद रखना है ये भी कि किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम बार बार आ रहा है दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया दोस्तों। इस दौरान भारत का जो बादशाह था, याद रखना है कौन था, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किस मुगल, उस समय कौन था मुगल सम्राट दोस्तों, तो जहांगीर था। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, देखिए मैंने आपको बताया था 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है कि पहला अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, और अस्थायी कारखाना कब 1613 ईस्वी में खोला गया था, सूरत में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखना है सूरत में स्थापित की थी दोस्तों। तो कैप्टन विलियम हॉकिंग्स सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचे, तो याद रखना कब पहुंचे थे कैप्टन हॉकिंग्स, 1608 ईस्वी में, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सके। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह को विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाता था। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की दोस्तों। तो ये अंग्रेजों की पॉलिसी है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ पे, तो ऑप्शन अगर मछलीपट्टनम होता तो वही लगाते, लेकिन यहाँ पे मछलीपट्टनम के बाद कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सूरत, इसलिए यहाँ मजबूरी में हमको सूरत आंसर टिक आउट करना पड़ेगा दोस्तों। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए सूरत लगा देना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था दोस्तों, तो थॉमस बेस्ट नामक पुर्तगाली ने सवाली के मैदान में पुर्तगालियों को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो याद रखना है सूरत में सर्वप्रथम कारखाना किसने स्थापित किया था दोस्तों, तो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। कब किया था, तो 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा, याद रखना है सूरत में डच कब खोलते हैं दोस्तों, तो 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी के द्वारा कब स्थापित की जाती है अपनी व्यापारी कोठी, तो 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी दोस्तों। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था दोस्तों, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपनी प्रथम कारखाना जो स्थापित किया था दोस्तों 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। तो 1616 ईस्वी में किसने किया था, तो डचों ने। फ्रांसीसियों ने कब किया था दोस्तों, तो 1668 ईस्वी में, और अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया था, तो 1613 ईस्वी में। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे बन सकता है दोस्तों कि सूरत में किस अंग्रेजी व्यापारी कंपनी ने, किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई थी, तो उसका नाम है दोस्तों पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सूरत में कोई फैक्ट्री नहीं लगाया था दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो याद रखना है सूरत में अनुमति
दी गई थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंस कहाँ थे, तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों, तो कहाँ थी, तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय जो था वो कहाँ था, तो सूरत में था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो किससे लिया था दोस्तों, तो पुर्तगालियों से लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। यह विवाह याद रखना है दोस्तों, इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई जो है उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो उनका नाम है दोस्तों सर जॉन चाइल्ड। वो अंग्रेजी गवर्नर थे दोस्तों जिनको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था दोस्तों। तो बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाही का बंदरगाही का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यह बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, तो कौन सा तत्कालीन कारण था दोस्तों, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यह कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण था दोस्तों। और यह भी वीवीआई सवाल है दोस्तों, अगर पूछा जाए कर्नाटक का जो प्रथम जो युद्ध हुआ था वह किस संधि से संपन्न हुआ था, यानी इसका अंत किस संधि से हुआ था, तो एकला सापोल, याद रखना है एकला सापोल संधि से यह क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध समाप्त हुआ था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक चला था, याद रखना है 1746 से 1748। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। कैप्टन बेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बना था दोस्तों। तो याद रखना है, इस कैप्टन का भी नाम आपसे पूछ सकता है कि किस अंग्रेजी कैप्टन ने फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था, तो उनका नाम है कैप्टन बेनेट। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मैंने बताया था दोस्तों कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वो एकला सा चैपल की संधि से अंत हुआ था। फिर है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों इसमें पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था, ठीक है। फिर है प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश की हार हुई थी, याद रखना है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में और निर्णायक युद्ध हुआ है दोस्तों। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, तो पहला का तो 4 हो जाएगा, किसमें, तो पहला का 4 एक ही में ऑप्शन है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। अब यहां पर देख लेते हैं, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मैंने बताया था कि एकला चैपल या सापेल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था और निर्णायक युद्ध हुआ था। और प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच चला था, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1750 से 1752 नहीं चला था दोस्तों, याद रखना है। तृतीय युद्ध जो था सप्तवर्षीय युद्ध था, ठीक है, तो यह 1758 से 1763 ईस्वी के बीच चला था, यह सही है। फिर पानीपत का तृतीय 1761 चला था, यह भी सही है दोस्तों।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध चला था दोस्तों वो 1749 से 1754 ईस्वी के बीच चला था, याद रखना है। और यहाँ पर ये भी तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे दे गया हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध था और यह सप्तवर्षीय कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध था और ये यहाँ पे होना चाहिए था कितना 1756 से 1763 होना चाहिए। यहाँ तो सी भी आंसर गलत ही है, खैर बोर्ड ने इसका आंसर दिया 1700 बी ही आंसर दिया, जबकि सी भी गलत है दोस्तों। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था वो सप्तवर्षीय युद्ध था जो कि ब्रिटेन यूरोप में छिड़ा हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और इसी का प्रभाव भारत में भी पड़ा था। और यह युद्ध कब से कब तक चला था तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच चला था। तो इस हिसाब से सी भी आंसर गलत है, लेकिन आयोग अपना दी है क्या समझ के मुझे नहीं मालूम। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 1754, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध आपको याद रखना है दोस्तों 1756 से 1763 के बीच में चला था, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो था दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी, तो याद रखना है कौन था वो, तो डुप्ले था, और यह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था दोस्तों। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था दोस्तों। तो यह डुप्ले से संबंधित महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी, वो डुप्ले था दोस्तों। इसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिससे उसने अपनी सूझबूझ से जीता तथा उर्वर बनाया, सॉरी जोता है दोस्तों, वह भूमि जिससे उसे अपनी सूझबूझ से जोता उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया दोस्तों। तो यह डुप्ले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था, तो कहाँ लगाया था दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना, तो सूरत में लगाया था, याद रखना है आपको। और कब लगाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1668 ईस्वी में सूरत में लगाया था। अब देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लुई 14वें के मंत्री, याद रखना है किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो लुई 14। उनका एक वाणिज्य मंत्री था दोस्तों, याद रखना है ये वाणिज्य और व्यापार मंत्री थे कौन, कोलबर्ट। वाणिज्य और व्यापार मंत्री थे दोस्तों कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ये फ्रेंच भाषा में नाम है, ये भी वीवीआई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंच में नाम क्या है, तो कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देती थी, तो यह पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी दोस्तों। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी दोस्तों, और यह पूर्ण रूप से सरकारी, क्योंकि सरकार ही इसको खर्च देती थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारी कारखाने की स्थापना की दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो किसके शासनकाल में, तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित किया गया था दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो कोलबर्ट, जो कि लुई 14वें के शासनकाल में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री थे दोस्तों। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो याद रखना है बी और सी दोनों, चिनसूरा भी स्थापित किया गया था डचों के द्वारा और हुगली भी स्थापित किया गया था दोस्तों डचों के द्वारा। तो डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में, याद रखना पहली कंपनी
में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पिपली में बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसूड़ा में 1653, याद रखना चिनसूड़ा में कब लगाया गया था, तो 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिनसूड़ा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कहाँ कहाँ है दोस्तों, डचों ने अपना कहाँ कहाँ कंपनी स्थापित किया था, तो कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित कर चुकी थी दोस्तों। तो यह डच कंपनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और ये देखिए दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो कब लगाया था दोस्तों, तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी दोस्तों। तो बंगाल की समुद्री व्यापार की तरफ आकर्षित हो डच ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है दोस्तों, यानी अस्पष्ट है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई थी। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आज जहां पर पटना कॉलेज है, पहले वहां पर डच फैक्ट्री हुआ करती थी दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इस कारण जो है दोस्तों, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। तो फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, याद रखना है कि उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था दोस्तों, ऐसी स्थिति हो गई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी दोस्तों, तो यही रीजन था जिसके कारण दक्कन पे अपना शक्तिशाली प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार से समय समय पर प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया था सर्वप्रथम दोस्तों, तो सर्वप्रथम प्रवेश किया था, याद रखना है, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के बाद आए थे डच के बाद आए थे अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए थे दोस्तों फ्रांसीसी। यानी इसका आंसर हो जाएगा 4213। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बी द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, कि पांडिचेरी में किसका था, गोवा में किसका था, ट्रेनकोबार में किसका था, ठीक है, और सद्रास में किसका था। तो याद रखना है आपको कि पांडिचेरी में किसका होना चाहिए, तो फ्रेंच का होना चाहिए। गोवा में किसका होना चाहिए, तो पुर्तगीज का होना चाहिए। ट्रेनकोबार में डेनिश का होना चाहिए, और सद्रास में मेरे हिसाब से डच का होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है एक बार। तो पांडिचेरी में फ्रेंच का है दोस्तों, सही है। पुर्तगाली में गोवा में पुर्तगालियों का, यह भी सही है। ट्रेनकोबार में डेनिश का, यह भी सही है। और सद्रास में डच का है, यानी बिल्कुल परफेक्ट था आंसर दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, वो कौन सा क्षेत्र था दोस्तों, तो अपना प्यारा राज्य बिहार था दोस्तों। तो याद रखना है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था दोस्तों। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो बिहार था दोस्तों। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो सबसे अंत में कौन से आए थे दोस्तों, तो याद रखना सबसे अंत में आए तो सॉरी सॉरी सबसे अंत में कौन आया था दोस्तों, तो फ्रांसीसी आया था। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन व्यापारियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, तो याद रखना उपयुक्त सभी इसका आंसर है, यानी नागपट्टनम में,
चिंसूड़ा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद और पटना में, इन सभी स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज की गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सी अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो दोस्तों इनमें से कोई जो है अंग्रेजों की भारत में देन नहीं थी। तंबाकू और लाल मिर्च किसकी देन थी? तो याद रखना ये पुर्तगालियों की देन थी। और पुर्तगालियों की देन क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। पुर्तगालियों ने और क्या क्या दिया है? तो मक्का किसकी देन है पुर्तगालियों की? आलू, यह भी पुर्तगालियों की देन है। अनानास, यह भी पुर्तगालियों की देन है दोस्तों। बादाम, यह भी पुर्तगालियों की देन है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब पुर्तगालियों की देन है दोस्तों। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये अकबर के समय से ही स्टार्ट था दोस्तों, याद रखना है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग होना भारत में स्टार्ट हो चुका था, ये अंग्रेजों की देन नहीं थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार के छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों का भारत में कोई भी देन नहीं था दोस्तों। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछे जाते थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो यह कहा था दोस्तों जीबी मैकाले ने यह कहा था कि कंपनी असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है दोस्तों। और यह भीवीआई सवाल है दोस्तों, बीपीएससी में स्टेटमेंट से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पेनल कोड पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। तो याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने तैयार की थी आईपीसी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही। एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था दोस्तों, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? पहला है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों सही है दोस्तों, याद रखना है आपको कि ये दोनों परफेक्ट हैं। यानी अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, यह भी बात सही है, अंग्रेजों की सफलता का यह मुख्य कारण था। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत यह भी कारण था दोस्तों। फ्रांसीसियों की हार और अंग्रेजों की सफलता में यह जो रीजन दिया गया कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन प्राप्त हुआ था और जनशक्ति मिला था इनको, इसलिए यह विजय रहे। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति थी दोस्तों, इसलिए वो फ्रांसीसियों से ज्यादा सफल रहे भारत में व्यापार करने में। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन जन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग नेतृत्व आदि था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह वीडियो मुझे कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।